नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। रायपुर के गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक रखी गई। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने पर जिला के सभी ब्लॉक में यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। साथ ही गांधी मैदान के कांग्रेस भवन से भी शहर भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की राजनीति भी तैयार की गई है। 7 सितंबर को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरे हो जाएंगे। इसी कड़ी में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय के सभी ब्लॉक में यात्रा निकालने का फैसला किया है। सभी ब्लॉक में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यात्रा निकाली जाएगी। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शाम 4 बजे गांधी मैदान से शहर भर में यात्रा निकाली जाएगी। निगम के सभापति प्रमोद दुबे का कहना है कि राहुल गांधी ने पिछले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करते हुए इसे जम्मू कश्मीर में खत्म किया था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए देश भर में नफरत की भावना खत्म करने और प्यार बांटने का काम किया था। इसी तर्ज पर शहर जिला कांग्रेस पार्टी भी यात्रा के माध्यम से प्यार बांटने और भाईचारा स्थापना करने का काम करेगी। राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उसके एक साल पूरे हो रहे हैं कल 7 तारीख को। तो जगह जगह हम भारत जोड़ो अभियान के नाम से जो रैलियां हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया और राहुल गांधी जी के मुख्य मुद्दे थे बेरोजगारों को रोजगार दो, जो महंगाई है उस पर लगाम लगाओ, जो अराजकता का वातावरण है उस अराजकता के वातावरण में शांति भाईचारा का एक माहौल तैयार करना था। और उसमें राहुल गांधी जी काफ़ी कुछ हद तक के उनकी जो बातें थी लोगों ने सुनी और आज एक वातावरण बना है। केंद्र की सरकार ने भय होकर के 200 रुपये सिलेंडर का रेट कम किया। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही इस वर्मा टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।